नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी। सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में, जानेंगे कि कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, उस पर रुपा मेहता की क्या राय है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले ग्वार कॉम्प्लेक्स से। रुपा जी, एग्री कम्युनिटीज में अगर ग्वार में बात की जाए तो प्राइसेस देख रहे हैं आज भी लाल निशान पर ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। रुपा जी, इसमें करेक्शन तो आई है ग्वार गम ग्वार सीड में, लेकिन देख रहे हैं कि प्राइसेस अभी भी अपने सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही हैं, आसपास ही हैं, तो ये क्या दर्शाता है? क्या अभी यहाँ पर ग्वार में इन लेवल से फिर से खरीदारी देखने को मिलेगी? देखिए, ग्वार के अंदर अभी फिलहाल तेजी का रुझान है और अभी तेजी बनी रह सकती है और ये कंटिन्यूशन में अपसाइड मोमेंटम बना रहेगा। अभी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा यहाँ से गिरावट नहीं लगती है। मुझे लगता है कि गम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कल के मुकाबले आज जरूर बाजारों में गिरावट आई है और ये गिरावट आज शॉर्ट टर्म रैली हो सकती है कि क्रूड में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है और एक्सपोर्ट को लेकर जो चिंताएं हैं उसका भी एक असर फिलहाल बाजारों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सभी बाजारों में आप गिरावट देख रहे हैं। ना केवल ग्वार के अंदर गिरावट आप देखिए, सभी कमोडिटीज आज लाल रंग के साथ निशान के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है और ये प्रेशर अभी शॉर्ट टर्म के चलते बाजारों में बना रह सकता है। शॉर्ट टर्म में बाजारों में गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी, मसालों की बात करें तो मसाल में भी हमने यहाँ पर कुछ नरमी आते हुए देखी है, ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो लो लेवल्स आए हैं मसाल में, थोड़े निचले स्तर आए हैं, तो क्या इनको निवेश का मौका समझकर इनमें निवेश करना सही रहेगा क्या? देखिए, मसालों में बिल्कुल निवेश किया जा सकता है निचले स्तरों पर। हल्दी में जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि 7800 के आसपास आए तो हल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग की, हल्दी में बाई करके चला जा सकता है। जीरा भी अभी थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। देखिए, थम गई है तेजी बाजारों में क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड हैम्पर होते हुए नजर आए हैं और जो डॉलर का प्राइस है वो काफी रुपी के अगेंस्ट में बढ़ा है, तो इसका असर जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से कीमतों में थोड़ा सा रुकाव देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करेक्शन के अंदर बाइंग की रणनीति बनाकर चलना है जी। ये सर, जी बात करें अगर M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन भी हम देख रहे हैं कि 47,000 के ऊपर अभी भी सस्टेन है, हालांकि लाल निशान पर है, हल्की सी करेक्शन है, लेकिन 47,000 का लेवल अभी भी कॉटन ने पकड़ा हुआ है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या कॉटन बहुत ही जल्द 50,000 भी दिखाने वाली है लेवल? देखिए, कॉटन में 50,000 के लेवल एक्सपेक्टेड में भी देखने को मिल सकते हैं। 48,500 के ऊपर सस्टेन करती है तो वापसी से तेजी की तरफ वहां से जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी सिनेरियो काफी पॉजिटिव है और देखिए कॉटन का तो वर्ल्ड वाइड भी अगर हम देखें तो प्रोडक्शन काफी हैम्पर हुआ है, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और डिमांड जो है वो इतनी खींची बनी हुई है। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी कंजम्पशन में गिरावट देखने को मिली है, तो ये काफी सारे ऐसे फैक्टर्स है जो इसको सपोर्ट देते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, तो कॉटन में एक्सपेक्टेड है कि तेजी बनी रहती है जी। रूपा जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल भी देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ हल्की सी तेजी की ओर लौटा है। रूपा जी, क्या लगता है, क्या बिनौला खल में फिर से 3400-3500 वाले लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं? क्या बिनौला खल यहाँ से वहां तक की छलांग लगा पाएगा अभी भी? देखिए, बिल्कुल बिनौला खल की अगर बात करें तो बिनौला खल में लेवल एक्सपेक्टेड है कि तेजी में अब मार्केट बन सकता है, लेकिन ज्यादा तेजी नहीं है। 3,000 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा जा सकता है, 3,000-3,040 बस इतना एक बार लग रहा है कि मार्केट ऊपर में टच कर सकता है, लेकिन सस्टेनेबल तेजी फिलहाल बचती हुई दिखाई नहीं दे रही है जी। रूपा जी, कैस्टर में क्या लगता है? कैस्टर में भी देख रहे हैं कि 7200 के ऊपर सस्टेन है, ना ही इससे ज्यादा नीचे जा रहा है, ना ही इससे ज्यादा उठ पा रहा है। फंडामेंटल साइड से देख रहे हैं कि फंडामेंटल साइड से स्ट्रांग है कैस्टर, तो तब भी कैस्टर में यहाँ पर खरीदारी क्यों नहीं दिख पा रही है? देखिए, खरीदारी इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी काफी अरसे से हमने देखा है कि यहीं पर सस्टेन होता नजर आ रहा है और ये अभी यही ट्रेंड फिलहाल फॉलो करता हुआ नजर आएगा और अभी भी अगर जो बाजार है वो 7,000 से लेकर 74,000 की फिलहाल इसकी रेंज बनी रह सकती है जी। रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो US सोयाबीन वायदा देख रहे हैं कि $1600 से नीचे निकला है और 1590 की रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो ऊपरी स्तरों पर तेल तिलहनों की खरीद फरोख्त कम हो रही है, इसका असर सोयाबीन और बाकी तेल तिलहनों पर कितना देखने को मिल सकता है? अभी के सोया एडिबल ऑयल पैक के अंदर तो अखिलेश अभी थोड़ा सा बाजार पॉजिटिव ही है, जो हल्की फुल्की करेक्शन आती हुई दिखाई दी है पिछले कुछ दिनों में, वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर डिमांड को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है, लेकिन अभी फंडामेंटल साइड देखा जाए तो अभी भी काफी पॉजिटिव है मार्केट और ये तेजी बनी रह सकती है जी। रूपा जी, मेंथा की बात करें तो मेंथा में क्या लगता है आपको,
क्या मेंथा में बस डिमांड आने की देरी है और प्राइसेस फिर उछाल मारेंगी, या फिर मेंथा में अभी भी डिमांड है और अभी भी तेजी देखने को मिलेगी? देखिए मेंथा काफी वोलेटाइल कमोडिटी है, इसका अभी बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे लगता है कि ये भी कमोडिटी जो है अभी एक सीमित दायरे में फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप एग्री कमोडिटीज के अंदर? देखिए एग्री कमोडिटीज में मुझे लगता है कि स्पाइसेस के अंदर बाय किया जा सकता है, स्पाइसेस एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम बनाते हुए नजर आ सकते हैं, और स्पाइसेस में हो सकता है कि आपको आगे चलकर हल्दी में तेजी देखने को मिले, तो हल्दी के अंदर बाय करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।